शेयर करता हूं स्क्रीन पहले। यस कैन यू सी नाउ? ओके, सो वात पित्त कफ हम लोग ने देखा है लास्ट टाइम। एज आई सेड अर्लियर आल्सो कि आयुर्वेद इज एंटायरली बेस्ड ऑन सांख्य फिलोसॉफी, सो आपको समझने में आसान है कि वात, जस्ट लेट मी चेक दिस स्लाइड, यस यस, पंचमहाभूत एंड त्रिदोष, वात पित्त कफ। तो वात इज, कफ इज पोटेंशियल एनर्जी, उसमें दो महाभूत कौन से प्रोमिनेंट है, पृथ्वी और जल महाभूत। ये हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, थेरेपी में भी, सो वी शुड बी नोइंग कि वो पोटेंशियल एनर्जी है और पृथ्वी और जल महाभूत का कॉम्बिनेशन है। पित्त थर्मल एनर्जी है, ये एक्चुअली जल और अग्नि चाहिए यहाँ पे, नॉट जस्ट अग्नि, सो एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, जल और अग्नि महाभूत का कॉम्बिनेशन है ये, दैट इज थर्मल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी वात है, जो भी मूवमेंट है, एनी मूवमेंट इन आवर बॉडी इज बिकॉज ऑफ वात, एज वी नो, आकाश और वायु महाभूत। सो आप लोग देखेंगे तो आकाश से पृथ्वी उत्तरोत्तर गुरु महाभूत हो जाते हैं, हेवियर महाभूत हो जाते हैं, सबसे सूक्ष्म आकाश है, सबसे माइन्यूट या माइक्रो या नैनो कुछ भी कहो उसको, सबसे छोट मतलब सूक्ष्म महाभूत आकाश, उससे थोड़ा स्थूल वायु महाभूत, उससे भी अग्नि, उससे जल और सबसे हेवी महाभूत पृथ्वी है। इसके लिए शायद न्याय या वैशेषिक हम लोग सीखे हैं शायद, आई डोंट नो, आपने मालूम रहेगा आपको, उन्होंने भी चार महाभूत माने हैं, आकाश महाभूत के परमाणु नहीं माने हैं वैशेषिक, आई थिंक बिकॉज जैसे कि आकाश सबसे माइक्रो है, उसके परमाणु नहीं हो सकते, वो हिसाब से चार महाभूत है, वो उत्तर उत्तर हेवी बन जाते हैं, आकाश सबसे सबसे हल्का, बाद में वायु महाभूत, बाद में तेज महाभूत, उसके उससे हेवियर जल महाभूत, और सबसे हेवी पृथ्वी महाभूत। सो वो हिसाब से अगर पृथ्वी कॉम्बिनेशन सबसे हेवी महाभूत का है, तो कफ प्रकृति वाले ओबेज रहेंगे, नेचुरल हो गया, मतलब उनकी टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि सबसे हेवियर महाभूत के कॉम्बिनेशन से बना है कफ दोष, सो नेचुरली उनका टेंडेंसी वजन बढ़ने के लिए ज्यादा है, सो विल सी दैट अभी। तो ये तीनों दोष है, पोटेंशियल एनर्जी कफ, थर्मल एनर्जी पित्त, और काइनेटिक एनर्जी वात। सो उसमें अभी इनका त्रिदोषों का संबंध, इनका फंक्शन देखेंगे, बेसिक फंक्शन है पूरा, मतलब टू अंडरस्टैंड, वात वा गति गंध, ये हिसाब से वायु शब्द बनता है वात, मतलब जिसमें गति इज द मेन साइन या कार्डिनल साइन। तो वात का सबसे महत्व का साइन या चिन्ह क्या है, गति है, गति मीन्स मूवमेंट, सो मूवमेंट कौन सी है, एनी मूवमेंट, इट कैन बी, इट कैन बी ए स्थूल मूवमेंट, इट कैन बी सूक्ष्म, इट कैन बी सूक्ष्मतर, इट कैन बी सूक्ष्मतम मूवमेंट ऑल्सो विच वी कैनॉट सी, सो ऐसी भी जो भी मूवमेंट है, फिर वो हमारे जो एक्सटर्नल मूवमेंट हमें दिख रही है, या फिर जो इंट्रा सेल्युलर या इंटर सेल्युलर लेवल पे चल रहा है, ऑल दोज मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ वात महाभूत, मतलब सेल के अंदर भी जो आयन आयन एक्सचेंज होते रहता है, लाखों करोड़ों आयन एक्सचेंज एवरी सेकंड, एवरी माइक्रो सेकंड जो भी हो रहा है, ऑल इज बिकॉज ऑफ वात महाभूत, वायु महाभूत। सो फंक्शन इज मूवमेंट, साइट इज बिलो अम्बिलिकस एंड प्रोमिनेंस इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में वात बढ़ जाता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि मतलब आयुर्वेद में एक श्लोक है इन तीनों दोषों के बारे में, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। अभी देखिए पित्त, पित्त का कार्डिनल साइन या फंक्शन है, मेन फंक्शन डाइजेशन, डाइजेशन मतलब परिवर्तन कह सकते हैं उसको, कन्वर्जन, क्या है कन्वर्जन, जो हम लोग खाना खाते हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द बॉडी एज इट इज, तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्शन का काम कौन करेगा, पित्त दोष करेगा। सो अभी कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, दैट्स व्हाई उष्णता, उष्मा इज द कार्डिनल साइन ऑफ पित्त, तो तप संतापे पित्तम, संताप, संताप मतलब हम लोग मराठी में संताप मतलब चिढ़ना, ये हिसाब से संताप कहते हैं, बट संस्कृत में नॉर्मली संताप मतलब टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर उसको कहेंगे, जिसकी वजह से वी आर अलाइव। सो पित्त हैज बेसिक क्वालिटी ऑफ
टेम्परेचर, तप संताप पित्तम, ये बिटवीन हार्ट एंड अम्बिलिकस, मिडिल एज में रहता है यूजुअली। और कफ दोष, इसका सबसे कार्डिनल साइन ग्रोथ है, इसके लिए मैंने बताया कि आकाश सॉरी पृथ्वी और जल महाभूत का कॉम्बिनेशन है कफ दोष, तो वो हिसाब से हेवी है ये, अबव हार्ट रीजन में है, और चाइल्डहुड मतलब बचपन में कफ दोष का आधिक्य रहता है, ज्यादा रहता है। सो फंक्शंस ऑफ त्रिदोष देखेंगे, वात रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स एंड सेंसेशंस, जो भी मूवमेंट्स हमें दिखती है माइक्रो मैक्रो नैनो किसी भी लेवल पे, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वात। पित्त इज रिस्पॉन्सिबल ऑल फिजियो केमिकल एक्टिविटीज, मतलब मेटाबॉलिज्म, इन शॉर्ट मेटाबॉलिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, मतलब बढ़ना और कम होना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी, ये पित्त का काम है। और कफ का है इज अ सब्सटेंस विच मेंटेन्स कॉम्पैक्टनेस इन द बॉडी बाय प्रोवाइडिंग फ्लूइड मैट्रिक्स। सो कफ का काम है पकड़ के रखना, टू होल्ड टुगेदर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ, ये देखिए अपने शरीर में। अम्बिलिकस के नीचे भाग में वात का आधिक्य है, प्रिडोमिनेंस। मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी इज पित्त एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कफ। इसका मतलब मैंने उस दिन भी लास्ट टाइम भी बताया था कि इसका मतलब पित्त जहाँ है वहाँ वायु और कफ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका पित्त का डोमिनेशन है यहाँ पे कंपेयर टू अदर दोषस। सिमिलरली वात का डोमिनेशन है नीचे, इसके लिए देखिए वात का मूवमेंट, गति, हलचल, ये सब वात का कार्य है, इसके लिए पैरों में आवश्यक है, और पैरों से ही हम लोग मूवमेंट करते हैं, जो भी चाहिए, पानी भी पीना है या कुछ खाना भी खाना है, काम पे जाना है, ऑल दोस थिंग, घूमने जाना है, वी यूज आवर लेग्स, तो वो हिसाब से वात इज द मेन, उसकी वजह से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। पित्त जो मेन डाइजेशन का काम है, मेजर काम, वो पेट में रहता है, बाकी एवरी सेल इज डूइंग दिस वर्क ऑफ डाइजेशन, इसके लिए तो हम लोग वेयर एंड टेयर कहते हैं, और इसके लिए वी आर अलाइव, तो दैट फंक्शन गोज ऑन इन द बॉडी, इन द एंटायर बॉडी, लेकिन मेन जो फंक्शन है दैट इज ऑकरिंग इन द एब्डोमिनल रीजन, और ये कफ है द चेस्ट एंड अबव। सो टाइप्स ऑफ दोषे भी देखे थे हम लोग ने, पंच प्राण, जस्ट रिवाइज, ये पंच प्राण पे क्वेश्चन होता ही है, थेरेपी में भी होगा, मैंने बताया था कि प्र अधिक अन ऐसे प्राण शब्द बनेगा, उद अधिक अन ऐसे उदान बनेगा, सम अधिक अन ऐसे समान बनेगा, अप अधिक अन अपान, और वी अधिक अन व्यान। अभी अन क्या है, इसमें अन कॉमन है, देखिए प्राण अपान उदान समान व्यान, अन इज कॉमन, अन का अर्थ है मूवमेंट, अन मीन्स मूवमेंट, इसके लिए प्र अधिक अन मतलब प्रोमिनेंटली, ये प्रोमिनेंट प्राण, प्रोमिनेंट है वायु, इसके लिए उसको प्राण कहेंगे। उद अधिक अन, उद मतलब ऊपर जाना, ऊपर की तरफ, इसके लिए एक्सहलेशन का जो काम है उदान वायु का काम है। सम अधिक अन, सम मतलब बैलेंस्ड, इसके लिए उसको समान कहा है, और अप मतलब ढकेल देना, एक्सक्रीशन, शरीर से दूर ढकेलना, इसके लिए अपान वायु का कार्य है। इसमें क्या आएगा, यूरिन हम लोग पास करते हैं, स्टूल पास करेंगे, गैस पास होता है, इवन डिलीवरी ऑल्सो, नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ अपान वायु। एंड व्यान, बोथ द एक्सट्रीमिटीज, दोनों हाथों दोनों पैरों में जो है तो व्यान वायु है, तो ये हिसाब से पंच प्राण हो गए। हम लोगों को पंच प्राण और उनके शरीर में स्थान पूछते हैं बहुत बार, और हमें मालूम भी चाहिए। अभी उप प्राण है वो आप में से कोई भी बोल सकता है, एनी वन कैन टेल उप प्राण और उनके कार्य, किसी को याद है उप प्राण? नाग कुर्म किंकर यस, नाग कुर्म, धनंजय, अरे यस, नाग का फंक्शन किसी को मालूम है? ढेकर, हाँ उसकी का नाग कुर्म, डोळ्यांची उघडता यस करेक्ट, कृकल, खोकला शिंक, यस करेक्ट, एंड देवदत्त और धनंजय दो बच गए, देवदत्त। आफ्टर प्राणा लीव्स द बॉडी, वो धनंजय, वो वो धनंजय, धनंजय हो गया, धनंजय, सॉरी देवदत्त, देवदत्त राम भाई, इज
झुम्बा झुम्बा वो भी मैंने भी वैसे ही ध्यान में रखा है, देवदत्त आलसी होता है इसके लिए उसको झुम्बा के हिसाब से मतलब ऐसा जस्ट ध्यान में रखने के लिए, देवदत्त तो कोई मालूम नहीं है पर्सनली बट जस्ट टू रिमेम्बर देवदत्त इज लेजी पर्सन, इसके लिए झुम्बा के साथ उसका संबंध है। सो वेरी गुड, पंच उप प्राण हो गए। वैसे उप पंच प्राण है, वैसे उप पित्त मुझे मालूम नहीं है, मैंने किधर पढ़ा भी नहीं है, और उप कफ भी मालूम नहीं है, मतलब जैसे पांच प्राण मेन है वैसे पांच पित्त भी मेन है, विल सी दोस। ये पांच कफ है ये भी आपको मालूम होना ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कुछ रहेगा, बट मालूम रहेगा तो भी कुछ बुरी बात नहीं है। अभी देखिए तर्पक कफ जो ब्रेन में रहता है दैट इज तर्पक। कहने की बात यह है कि आयुर्वेद में जैसे पांच जो वायु के प्रकार दिए है वैसे भी पांच कफ के प्रकार और पांच पित्त के प्रकार और उनके स्थान। सो तर्पक कफ इन द ब्रेन, बोधक इन द टंग, मतलब हमें जो हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं उससे हमारा वी गेट टू नो द टेस्ट। अब ये टेस्ट का ज्ञान जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बोधक कफ, बोधन करना। सो वी गेट टू नो द टेस्ट ऑफ दैट फूड आइटम। श्लेषक कफ इन द जॉइंट्स, हमारे जो भी हड्डियां है वहां पे जो जॉइंट्स बन जाते हैं वहां पे जो वी आर एबल टू मूव, बट एज वी ग्रो ओल्ड वी आर नॉट एबल टू मूव। व्हाई? बिकॉज द कफ रिड्यूसेस एज वी ग्रो ओल्ड, इससे वात बढ़ता है, इससे संधियों में आवाज आना शुरू हो जाता है। सो श्लेषक इज अ कफ सिचुएटेड इन द जॉइंट्स। अवलंबक कफ इन द हार्ट एंड क्लेदक कफ इन द स्टमक एंड जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्लेदक कफ क्या करता है? अन्न को गीला करने का काम करता है, गीला करना। गीला होने की वजह से डाइजेशन इजीली हो जाता है बिकॉज उसका बोलस बन जाता है, वो रफनेस उसका निकल जाता है, इट बिकम सॉफ्ट विद द मिक्सिंग ऑफ कफ। सो दिस इज फाइव टाइप्स ऑफ कफ एंड दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ पित्त। साधक पित्त अगेन इन द ब्रेन, देन आलोचक पित्त आंखों में रहता है। इसकी वजह से आयुर्वेद में कुछ चीजें है जो मैंने लास्ट टाइम भी शायद बोला था कि पूरे 12 महीने नहीं करनी है, उसमें से एक चीज ऐसी है कि कंधों के ऊपर कभी भी गर्म पानी नहीं लगाना, नेवर अप्लाई हॉट वाटर या वार्म वाटर अबव द शोल्डर रीजन, कंधों के ऊपर रूम टेम्परेचर का ही पानी लगाना है। इसके लिए आंखों में, क्योंकि आंखें पित्त का स्थान है, इसके लिए यहाँ पे गर्म पानी नहीं लगाना है। भ्राजक पित्त हमारे स्किन में रहता है, इन द स्किन रीजन, तो जो ब्राइट स्किन वाले रहते हैं मतलब वो जो गोरेपन की क्रीम आती है वो लगा के सब गोरे हो जाएंगे, इससे गोरापन एक्सपेक्टेड नहीं है। विदाउट एनी क्रीम जो नेचुरल गोरे लगते हैं उनमें भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा है, ऐसा आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं, क्योंकि वो गोरेपन की क्रीम ऐसे इतने एग्रेसिव एड्स बनाते हैं तो उसमें कोई भी गोरा बन जाता है, बिकॉज समटाइम्स यू नो दैट उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं कुछ गोरेपन की क्रीम्स में, दे रिमूव योर आउटर लेयर ऑफ योर स्किन। आउटर लेयर जो है बहुत छोटा वाला वो निकल जाता है, जिसकी वजह से अंदर की स्किन एकदम शाइनिंग लगने लगती है। इसके लिए वी गेट अ फीलिंग क्या रही है, गोरी बन गई या ये गोरा बन गया, ऐसा गोरा गोरी कोई बनता नहीं है, बिकॉज हमें जो एट द टाइम ऑफ बर्थ मतलब हमारा जो स्किन कलर है दैट ठीक है, थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ धूप में काम करना या ऐसे में थोड़ा टैनिंग वगैरह हो जाता है किसी में, बट यू कैनॉट चेंज, मतलब एकदम क्या बोलते हैं एकदम सावला या ऐसा आदमी एकदम गोरा नहीं बन सकता है, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज नेचर ने हमें ऐसे किया है। सो भ्राजक पित्त इन द स्किन, रंजक इन द लीवर, रंजक का रंजन करना, रंजन करना मतलब वो मनोरंजन वाली बात नहीं है, रंजन मतलब चेंज द कलर। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो पहले पेट में आएगा, उससे अन्न रस बनता है, सप्त धातु मैंने बोले थे रस रक्त मांस मेद, तो पहले रस धातु बनेगा, वो रस धातु पे क्रिया होगी ऑफ दिस रंजक पित्त, उससे रक्त बनेगा। सो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सात धातु बनेंगे सप्त धातु। तो ये रंजन का काम है, ये काम करेगा रंजक पित्त, और पाचक पित्त करेगा इन द डाइजेशन इन द एब्डोमिनल रीजन, अन्न को पचाने का काम। सो ये पांच टाइप के पित्त हो गए,
पांच टाइप के कफ और पांच टाइप के वात. सो दीज आर फाइव टाइप्स. नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोष और उनके तो आपको ये थेरेपी में थोड़ा इसका मतलब नॉट थोड़ा बट इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आप कर सकते हो. थोड़ा इसका क्वेश्चनर भी बना सकते हो और पेशेंट को पूछ के वी कैन गेट सम आइडिया. क्योंकि हमारे पास कोई एक्यूट कंडीशन में यूजुअली आने वाला नहीं है थेरेपी में कि हाई टेम्परेचर है उसको 102 103 फीवर है उसको योगा अभ्यास से ठीक कराओ. नोबडी इज गोइंग टू आस्क अस. बहुत सीवियर अर्थराइटिस है वो लोग भी हमारे पास आने वाले नहीं है. कोई भी इमरजेंसी इन शॉर्ट हमारे पास आने वाले नहीं है. जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से मेजॉरिटी वो हमारे पास आ सकते हैं जैसे क्रोनिक जॉइंट पेन है बहुत सालों से है या ओबेसिटी है या और कुछ है ऐसे लोग हमारे पास आने वाले हैं. तो उनको हम थोड़ा प्रकृति परीक्षण से थोड़ा उनका मतलब ये अप्लाई करेंगे इन आवर थेरेपी तो उसका बहुत फायदा हो सकता है. बिकॉज प्रकृति में हम लोग बेसिकली पेशेंट को उसको अपियरेंस कैसा है अपियरेंस से भी थोड़ा बहुत वी गेट सम आइडिया. तो उसका अपियरेंस कैसा है उसका डाइट कैसा है उसका टेंडेंसी कैसा है वजन बढ़ने का कम होने का एंड इज स्लीपिंग पैटर्न सोने की उसकी आदतें कैसी है ये चार चीजें हैं उसके हिसाब से हमें उसकी प्रकृति का अंदाजा थोड़ा बहुत तो श्योरली आ सकता है. सो अभी एक्सटर्नल अपीयरेंस की मैंने बात की वी विल जस्ट गो थ्रू कि स्किन कैसे रहेगी वात में. तो वात में मैंने बताया था कि मूवमेंट हलचल ये मेन काम है वात का. इसके लिए वात वालों में स्किन देखो ड्राई रफ थोड़ी सी ब्लैकिश और कूल रहेगी ठंडा. उनको हाथ लगाएंगे तो दे अपीयर कूल मतलब ठंडा उनका ये रहता है टेम्परेचर. उनकी स्किन खरदूरी रहेगी. दे नीड ऑयल्स इन विंटर से विंटर सीजन बहुत बार तो ठंडी के दिनों में उनकी त्वचा और खरदूरी हो जाएगी. सो दे नीड सम ऑयल एप्लीकेशंस रेगुलरली ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ड्राई रफ रहेगी. सो दीज आर एक आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. उससे आप खुद के ऊपर भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपके जानकारी में आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके नियर एंड डियर वंस या आपके क्लाइंट्स है उनके ऊपर भी आप इसका यू कैन अप्लाई दिस नॉलेज. पित्त वालों का स्किन देखिए सॉफ्ट ऑयली वार्म एंड फेयर. थोड़े एक तरह से उनको हाथ लगाएंगे तो थोड़े गर्म मिजाज वाले लगते हैं. गर्म मतलब हाथ लगाएंगे तो टेम्परेचर मतलब बुखार नहीं है फिर भी उनका थोड़ा सा गर्मी लगेगी उनके शरीर में बिकॉज पित्त का मेन प्रॉपर्टी है उष्णता. इसके लिए इनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा कंपेयर टू अदर्स. और कफ अगेन ठंडा है. वात एंड कफ दोनों ठंडे हैं. इसके लिए अब इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. तो कफ वालों की त्वचा ऑयली रहेगी ज्यादा और वात वालों की एकदम सूखी रहेगी ड्राई. इनमें कूलनेस रहेगा दोनों में कूलनेस रहेगा वात में भी और कफ में लेकिन ऑयली इसमें रहेगी और इसमें ड्राई रहेगी. सो दीज टू आर द मेजर डिफरेंसेस. अब ये एकदम एक दो दिन में हम लोग ये नहीं सीख सकते. यू नीड टू प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड. तो थोड़ा बहुत हमें अंदाजा आ सकता है. सिमिलरली हेयर बाल कैसे रहेंगे देखिए वात वालों के ड्राई रहेंगे सूखे खरदूरे अगेन रफ एंड अर्ली ग्रे. जल्दी इनमें बुढ़ापापन दिखता है क्योंकि वात की मैंने बताया मूवमेंट इसकी मेन प्रॉपर्टी है. सब मूवमेंट फास्ट हो जाती है मतलब उनका बचपन भी जल्दी खत्म हो जाता है उनका जवानी भी जल्दी खत्म हो जाती है और उनको बुढ़ापा भी जल्दी आता है बिकॉज एवरीथिंग इज फास्ट. सो जल्दी बूढ़े होने वाले या बूढ़े दिखने वाले लोग उनमें वात का आधिक्य है ऐसा कह सकते हैं. सिमिलरली पित्त में क्या रहेगा सॉफ्ट एंड ऑयली हेयर रहेंगे और ये तो एकदम एड में जिनको मतलब जिनको टीवी पे एड में लेते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कंपनियां वैसे इनके बाल रहेंगे एकदम घने लंबे मुलायम टाइप्स और एकदम आकर्षक और अट्रैक्टिव रहेंगे कफ वालों के पास. सो दिस इज द जनरल अपीयरेंस आई एम टेलिंग एक्सटर्नल कि आपको लंबे से ही पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है या आपने उसको देखा है एट फर्स्ट अपीयरेंस उसका जो पहला आपको जो अपीयरेंस दिखता है
वो हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये मतलब लगभग थोड़ा एक 5-10% तो अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये कफ वाला है या वात वाला है या पित्त वाला। नाउ एपेटाइट, एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट माना है आयुर्वेद में। वात वालों का जैसे मैंने बताया कि मूवमेंट है, गति है, तो उनका एपेटाइट नेचुरली वेरिएबल रहेगा, मतलब बदलता रहेगा। आज कुछ खाया, कल कुछ खाया ही नहीं, परसों वापस ज्यादा खाया, दिस टाइप ऑफ थिंग्स वात में रहेगा, मतलब अनप्रेडिक्टेबल। कभी शाम के खाने के टाइम उनको भूख नहीं रहेगी, एकदम रात को 11 बजे बोलेंगे भूख लगी है, दिस टाइप ऑफ पीपल। या दोपहर को 1 बजे खाना नहीं है, 4 बजे बोलेंगे भूख लगी है, अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। पित्त वाले गुड और लो, मतलब मीडियम रहेगा उनका एपेटाइट, बहुत कम ज्यादा नहीं, और कफों का स्टेबल रहेगा। अभी ये आपको कभी फायदा देगा थेरेपी में कि वात वाले रहेंगे यूजुअली, कुछ भी खाए उनका वजन बढ़ता नहीं है यूजुअली, ऐसे देखा जाता है। अभी हम लोग कोरोना पीरियड की वजह से घर में है, वर्क फ्रॉम होम है, तो वी सी मेनी पीपल गेनिंग वेट। 2 महीने 3 महीने घर में बैठे हैं तो वजन बढ़ गया उनका। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मोर देन 1 ईयर दे आर एट होम हैविंग हेवी फूड, फिर भी दे आर एबल टू, दे आर नॉट गेनिंग वेट। या तो वो मेंटेन कर रहे हैं या उनकी प्रकृति वात है इसकी वजह से। सो दीज टू आर द फैक्टर, मतलब ऐसे हो सकता है, तो वी हैव टू फाइंड दैट आउट। क्योंकि अगर वो मेंटेन कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो वी कांट से एकदम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा। और कफ वाले ऐसे हैं, थोड़ा भी ज्यादा खाना खाया तो उनको घूमना पड़ता है आधा घंटा 1 घंटा, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि उनका एपेटाइट ही लो है। खाना भी कम खाना है उनको, क्योंकि भूख ज्यादा लगती नहीं है, और कम खाने के बावजूद उनको नेक्स्ट हंगर, मतलब अगली बार भूख उनको कम ही लगेगी, बिकॉज दे आर कफो प्रकृति। और पित्त वालों को हमेशा दे विल बी हैविंग वेरी नाइस एपेटाइट, बहुत अच्छा उनका डाइट रहेगा और डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। सो दीज आर द यूजुअल पॉइंट्स रिगार्डिंग एपेटाइट। देन स्लीप एक्टिविटी, निद्रा, वात वालों की बहुत स्कैंटी और डिस्टर्ब स्लीप रहेगी। ये नींद ना मुझको आए वगैरह जो चलता है ना, ये सब इन पे एप्लीकेबल है वात वालों को। अनप्रेडिक्टेबल है, कभी सोएंगे कभी नहीं सोएंगे, वी कांट से। रात को 11 बजे लगता है सो गए, 12-12:30 बजे उठ के बैठेंगे, फिर मोबाइल देखेंगे या फिर टीवी देखते बैठ जाएंगे या फिर कुछ पढ़ेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आई नो सम पीपल रात को 10-10:30 बजे लेट जाते हैं, और दोपहर रात को 2-2:30-3 बजे तक वो जागते ही रहते हैं, नींद आती नहीं है। मेनी सच पीपल, बिकॉज ऑफ देयर मेनी फैक्टर्स, सो मेन कारण में भी वात दोष, उनमें वात प्रकृति रहेगी। पित्त वालों की एकदम मॉडरेट नींद है, और कफों वालों की एकदम, मतलब पानी भी डालो उनके ऊपर वो उठने वाले नहीं है, एकदम साउंड स्लीप और वेरी परफेक्ट स्लीप, किधर भी सो सकते हैं लोग, एनी वेयर। ये इनकी क्या बोलते हैं, इनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस है कफ वालों का, कि उनको नींद किधर भी आएगी, लेक्चर में तो सो ही जाएंगे अभी, और बाकी जगह पे भी रात को भी बहुत सोएंगे, उनको वापस दिन में भी सोने के अगर बोलेंगे तो दे विल हैव साउंड स्लीप, आधा 1-2 घंटा भी सो सकते हो। तो कफ वालों में नींद की ज्यादा मात्रा रहती है। और माइंड, ये माइंड इनका रेस्टलेस रहेगा। वात वालों का एज वी नो चंचल, आज कुछ का प्लान बनाया, कल कैंसिल किया, दूसरा बनाया, परसों कैंसिल किया, तीसरा बनाया, दैट टाइप ऑफ पीपल। और वात, आपको पहले मालूम रहेगा, हमारा MTNL था सबके घर में, MTNL या BSNL जो भी था, तो उनका बिल आता था हमेशा, मंथली बिल आता था, वो इट वॉज अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू टॉक्ड, आप कितनी बात की है उसके ऊपर बिल आता था। तो पहले, अभी आज आप पहले वाले में जिनका वैसे बिल था ना, जिनका बिल ज्यादा आता था वो थोड़ा वात प्रकृति वाले हो सकते हैं, क्योंकि बातें करते रहेंगे, 1 घंटा बात करेंगे, 2 घंटा बात करेंगे, और बाद में बोलेंगे अरे आज कुछ टाइम ही नहीं मिला बात करने को, फिर से कल बात करते हैं। दैट टाइप ऑफ पीपल की कितनी भी बात करो उनका, मतलब दे आर नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि रेस्टलेस ही है। तो ऐसे लोग रहेंगे, अभी आज की तारीख में वो जजमेंट हमारा निकल गया है, क्योंकि अभी आज में
300-400 रुपए में पूरा कितनी भी बात करो, दिन में रात में 24 घंटा बात करो, बिल बढ़ने वाला नहीं है, इसके लिए वी कांट जज। लेकिन पहले के जमाने में जो बिल जिनका ज्यादा था मोबाइल इसका MTNL या लैंडलाइन का, तो कह सकते थे कि वो वात वाले है, मतलब 1,000-1,500-2,000 रुपए जिनका बिल आएगा वी कैन से कि उनका वात प्रकृति शायद हो सकता। पित्त वाले एग्रेसिव, मतलब उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ भी हाथ में चीजें फेंक देंगे, चिल्लाएंगे कुछ भी, इसे पित्त वाले है। और कफ वाले ठंडे आराम से, उनको कुछ होता नहीं है, कुछ भी बोलो दे आर वेरी हैप्पी गो लकी टाइप पीपल। तो अभी तक ये बताया, किसी को कुछ शंका है या कुछ क्वेरी है या कुछ स्टेटमेंट करना है तो प्लीज यू आर वेलकम। पर इसमें जो ये सिम्टम्स और ये जो दिया है, इसमें चेंजेस हो सकता है, इसमें से एक है कॉम्बिनेशन, 100% तो सेम नहीं होगा, 100% सेम नहीं होगा, कॉम्बिनेशन रहेगा बहुत बार। इसके लिए प्रकृति में आपको, आप देखने जाएंगे तो सिर्फ वात प्रकृति या सिर्फ पित्त या सिर्फ कफ ऐसे मिलना मुश्किल है, कॉम्बिनेशन रहेगा वात पित्त या वात कफ या कफ पित्त या फिर त्रिदोष, मतलब साम्य समान प्रकृति, वो टाइप भी मिल सकता है। So, इसके लिए आपको थोड़ा इसका एप्लीकेशन करना पड़ता है। इसके लिए मैंने बताया चार मेजर पॉइंट्स है कि उसका अपीयरेंस कैसा है एक्सटर्नल, देन एपेटाइट, उसका स्लीपिंग पैटर्न और टेंडेंसी क्या है, बॉडी वेट कैसा है, क्या है कि बहुत जल्दी बढ़ता है बहुत कम होता है। यस, देन व्हाट काइंड ऑफ फूड दिस पर्सन शुड हैव दैट वाटर। वही तो, वो बाद में, वो इसको बाद में देखेंगे थोड़ा, अभी खाली है जस्ट टू नो कि कैसे उसको देखना है। वो हिसाब से हम लोग उनको, क्योंकि क्या है, अगर समझ लो आई एम गिविंग यू, मतलब एक इमेजिन करेंगे कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, यू हैव नो आइडिया कि उसका प्रकृति या उसको क्या हो गया है या क्या हुआ है। अगर वो आता है और एनी सेज कि आई हैव सीवियर जॉइंट पेन और चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप थोड़ा उसका हिस्ट्री लेंगे तो शायद उसने कुछ लास्ट कुछ महीनों में वेट गेन किया रहेगा। अगर वेट गेन किया रहेगा तो उसको अर्थराइटिस होने वाला है, लैक ऑफ एक्सरसाइज समझ लो है उसको, काम की वजह से कुछ नहीं कर सकता है तो उसको वेट गेन हुआ है और अर्थराइटिस भी चालू हो गया है। ऐसे लोगों में थोड़ा उनका कफ का टेंडेंसी अगर है तो उनमें मीठा चीज पूरा बंद करना चाहिए उनको। वो हम लोग ये चार्ट में देखेंगे बाद में, इसको थोड़ा समझते हैं बाद में, विल गो टू अ डिफरेंट स्लाइड, वो हिसाब से हम उनको कैसे क्या एडवाइस करना है ये थोड़ा देख सकते हैं। Anyone else having any doubt? या फिर कुछ शंका है? या तो सो गए हैं या फिर सर या रिलेटेड दूसरा प्रश्न विचारू का? हो चालेल। योगा थेरपिस्ट एक्चुअली काय काम आणि कशा स्वरूपाचे काम करणार आहेत? गुड क्वेश्चन विजय सर, काय काय सांगायचं? विजय सर हाथ का, पर माला जेवढा माहिती त्या मुझे जितना अभी इन्होंने सवाल पूछा ऐसा है कि योगा थेरेपिस्ट का रोल क्या रहने वाला है। हाँ बोला सर, बोला।